अब हम इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में देखते हैं। तो आइए हम प्रीलिम्स के एग्जाम पैटर्न देखते हैं। इसके अंदर आपके दो पेपर होते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम काजल है और आज हम बात करेंगे यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो आइए आज हम बात करते हैं इसकी वैकेंसी के बारे में, इसके पोस्ट के बारे में, इसके एग्जाम कौन कौन से होते हैं, कितने मार्क्स की होती है, आप कितने अटेम्प्ट्स दे सकते हो, आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। तो आइए हम देखते हैं। अभी हम बात करते हैं इसकी वैकेंसी के बारे में। तो 2024 में आपकी टोटल वैकेंसी 1056 आई थी, जिसमें से 150 सीट्स फिल्ड हैं। दिस ईयर आपके 150 सीट्स फुल हो चुके हैं, भरे जा चुके हैं। अब हम देखते हैं इसके पोस्ट के बारे में कि इसके कितने पोस्ट हैं और कौन कौन से पोस्ट हैं। तो इसके टोटल पोस्ट 24 पोस्ट अवेलेबल हैं, जिसमें से आपके आईएएस, आईपीएस, आईएफओएस जैसे पोस्ट हैं। अब हम बात करते हैं ग्रुप ए सिविल सर्विसेज के अंदर कि ग्रुप ए सिविल सर्विसेज के अंदर कौन कौन से पोस्ट आते हैं। तो आपका ग्रुप ए सिविल सर्विसेज के अंदर आईएफएस, आईएएस, आईसीएएस, आईसीएलएस, आईडीएस, आईडीईएस, आईआईएस जैसे पोस्ट अवेलेबल हैं। अब हम ग्रुप बी सिविल सर्विसेज के बारे में बात करते हैं कि ग्रुप बी सिविल सर्विसेज के अंदर कौन कौन से पोस्ट आते हैं। तो इसके अंदर आपके डैनिक्स, डैनिप्स, पौंडीचेरी सिविल सर्विसेज, पौंडीचेरी पुलिस सर्विसेज, आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज जैसे पोस्ट अवेलेबल हैं। अब हम देखते हैं कि पर ईयर हर साल कितने कैंडिडेट्स एग्जाम को पास करते हैं, पास परसेंटेज इसकी कितनी है। तो टोटल 180 कैंडिडेट्स पर ईयर इस एग्जाम को पास करते हैं। इसकी पास परसेंटेज 0.2% है, आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी नोटिफिकेशन के बारे में। तो 10 मई 2023 को इसकी कैलेंडर पब्लिश हुई थी और नोटिफिकेशन, एग्जाम की नोटिफिकेशन 14 फेब को इसके नोटिफिकेशन आई थी और प्रीलिम्स की एग्जाम शेड्यूल 26 मई 2024 को प्रीलिम्स का एग्जाम। अब हम देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट इवेंट्स के बारे में कि इसके कौन एग्जाम कब है, इसकी नोटिफिकेशन कब आई थी। तो आइए हम देखते हैं। यूपीएससी कैलेंडर 10 मई 2023 को पब्लिश हुई थी, एग्जाम नोटिफिकेशन 14 फरवरी 2024 को आई थी, एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म का डेट 14 फेब से 5 मार्च 2024 तक आपको टाइम दिया गया है, आप भर सकते हैं। एडमिट कार्ड इसकी अभी आई नहीं है, रिलीज्ड होने वाली है। प्रीलिम्स के एग्ज़ाम कब है? प्रीलिम्स के एग्ज़ाम 26 मई 2024 को है और सिविल सर्विसेज मेंस एग्ज़ाम आपके 20 सितंबर 2024 को है। अब हम बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो आपके एज लिमिट देख लेते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो आपकी मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 32 साल। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए मिनिमम एज 21 साल है और इनके मैक्सिमम एज 32 साल है। एससी एसटी वालों के लिए मिनिमम एज 21 साल है और मैक्सिमम एज इनके 37 साल दिए गए हैं। ओबीसी वालों के लिए मिनिमम एज 21 साल है और इनके मैक्सिमम एज 35 साल दिए गए हैं। आइए हम अटेम्प्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि आप कितने अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। तो अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस हैं तो आप 6 अटेम्प्ट्स तक एग्जाम दे सकते हैं। एससी एसटी वाले के लिए अनलिमिटेड है। ओबीसी 9 अटेम्प्ट्स दे सकते हैं, पीडब्ल्यूडी वाले 9 अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। अब हम इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में देखते हैं। तो आइए हम प्रीलिम्स के एग्जाम पैटर्न देखते हैं। इसके अंदर आपके दो पेपर होते हैं, एक जनरल जीएस, दूसरा सीसेट का। दोनों आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। जीएस का पेपर आपका 100 क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर और सीसेट के पेपर में आपके 80 क्वेश्चन होते हैं और दोनों के मार्क्स, टोटल मार्क्स 200-200 हैं। दोनों के मार्क्स 200 होते हैं। ड्यूरेशन आपको 2 घंटे का दिया जाता है। इन दोनों पेपर को करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। इसके अंदर आपकी निगेटिव मार्किंग, दोनों पेपर के अंदर आपकी निगेटिव मार्किंग है। प्रीलिम्स को पास करने के लिए मिनिमम आपको 33% तक मार्क्स लाना होगा, तब आप इस एग्जाम को पास कर सकते हैं। आइए हम आगे बात करते हैं। अब हम देखते हैं मेंस के एग्जाम पैटर्न के बारे में।
इसके अंडर आपको 9 पेपर होते हैं, 9 पेपर आपको देने होते हैं, जिसमें कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज, मतलब आपकी जो इंडियन लैंग्वेज है हिंदी इंग्लिश, दूसरा पेपर आपका इंग्लिश का होता है, तीसरा एसे होता है, और 4 आपके जीएस के पेपर होते हैं, और 2 आपके ऑप्शनल पेपर होते हैं। और इन सब को करने के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। 9 पेपर को करने के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। तो आइए हम इसके मार्क्स के बारे में बात करते हैं। इंडियन लैंग्वेज में आपको 300 मार्क्स का होता है, दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज भी आपका 300 मार्क्स का होता है, एसे टाइप आपके 250 मार्क्स के होते हैं, और जीएस के 4 पेपर आपके 250 मार्क्स के होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके ऑप्शनल पेपर। इसके 2 ऑप्शनल पेपर हैं, मैंने पहले भी आपको बताया, इनमें भी आपको 3 घंटे का समय मिलता है, और दोनों पेपर आपका 250 मार्क्स के आपके दोनों पेपर होते हैं। ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।